देहरादून से खबर है, हरीश रावत ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखा है। सक्रिय राजनीति में बने रहना कोई सामान्य निर्णय नहीं होता। राजनीति में रहने न रहने पर गंभीर चिंता कर रहा हूं। 70 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति में रहना कठिन है। लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं तो इस रेखा से आगे बढ़कर सक्रिय राजनीति में रहना सामान्य फैसला नहीं है। व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता व पारिवारिक स्थिति दोनों का आकलन करना होता है। सक्रिय राजनीति वह भी प्रतिस्पर्धा जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, राजनीति में बने रहना और मुश्किल होता है। बढ़ती उम्र के साथ अत्यधिक कठिन काम राजनीति में बने रहना है। उम्र के साथ आपका दायरा और आपसे अपेक्षाएं दोनों बढ़ जाती हैं। चुनावी राजनीति में आपकी वरिष्ठता, आपकी सीनियरिटी आपसे अपेक्षाएं करती हैं, आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाती हैं। जो आपसे अपेक्षाएं हैं मतदाताओं से लेकर पार्टी के सहयोगी व सभी लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें करते हैं। जो आपके कुटुंब में हैं, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी जो सीनियरिटी है वो मार्गदर्शक के रूप में हो, वो बेहतर काम के परिणाम के रूप में हो।